नमस्कार, आपका स्वागत है प्रेरणा समाचार में। मैं हूं पल्लवी। ओडिशा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 3 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन सर कार्यवाह श्री भैया जी जोशी ने बताया कि 1989 से संघ ने योजनाबद्ध रूप से सेवा क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया और अभी देश भर में 1.5 लाख से अधिक सेवा कार्य चल रहे हैं। सेवा कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री भैया जी जोशी ने बताया कि संघ के स्वयंसेवक 20 स्थानों पर सेवार्थ बड़े अस्पताल चलाते हैं जिनकी क्षमता 50 से 150 बेड तक है। स्वयंसेवक 15 ब्लड बैंक चलाते हैं जो उस क्षेत्र की 50% तक की आवश्यकता पूरी करते हैं। इसके साथ ही विकलांगता के क्षेत्र में स्वयंसेवक जागरूकता अभियान चलाते हैं। नेत्रदान के क्षेत्र में भी 250 से 300 नेत्रदान प्रतिवर्ष होते हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम विकास के क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं और इन प्रयासों से अभी तक देश के 250 गांवों में ग्रामवासियों के सहयोग से विकास का मॉडल स्थापित किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक वातावरण और स्वावलंबन, इन 5 सेक्टरों को ग्राम विकास में शामिल किया गया है। समाज हित को सबसे ऊपर रखकर स्वयंसेवक अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। यह विशिष्ट गुण संघ की प्रेरणा से ही सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं समाज हित और परिवार हित पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के विचार। हमको ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो परिवार और समाज दोनों का विचार करे। हमारे परिवार में वातावरण ऐसा होना चाहिए कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मीयता मिले और पूरे समाज का लाभ हो। असंतुलित जीवन हो गया है, संतुलन वापस आना चाहिए। और अगर एक को ही पकड़ने की बारी आती है तो देश के खातिर 4 पुत्रों को वार दिया, ये इतिहास हम ही ने रचा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने रचा है, वो हमारे आदर्श है। पहले देश, बाद में मेरा परिवार, वो तो हम करते हैं। भाई बहुत बीमार है, सेवा करने वाला मैं अकेला हूँ, मेरी परीक्षा है, मैं परीक्षा भी छोड़ देता हूँ। भाई पढ़े इसलिए मैं अपनी पढ़ाई छोटी रखता हूँ, मैं करता हूँ। ऐसे ही परिवार का हित पहले कि समाज का हित, समाज का हित पहले। और आइए अब जानते हैं 19 अक्टूबर का इतिहास। हिंदू समाज की निर्धन और निर्बल जातियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पांडुरंग शास्त्री आठवले जी का जन्म 19 अक्टूबर 1920 को महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित ग्राम रोहा में हुआ था। 22 वर्ष की अवस्था से पांडुरंग दादा ने समाज जागरण का कार्य प्रारंभ किया। उनके प्रयासों से स्वाध्याय केंद्र, युवा केंद्र, बाल संस्कार केंद्र, महिला केंद्र आदि गांव-गांव तक फैल गए। उन्होंने ठाणे में तत्वज्ञान विद्यापीठ की स्थापना की। पांडुरंग दादा ने निकटवर्ती गांव में भक्ति फेरी द्वारा लाखों लोगों में प्रेम और संवेदना का संदेश प्रसारित किया। उन्होंने हजारों गांव में अमृतालयम स्थापित किए। पांडुरंग दादा के प्रयासों से मत्स्यगंधा नामक प्रयोग शुरू हुआ जिसके कारण ओखा से लेकर गोवा तक कोई भी गाँव भूख से पीड़ित नहीं है। चिकित्सकों के लिए पतंजलि चिकित्सालय का प्रयोग किया गया। इसमें वे भक्ति भाव से दूर दराज के गांव में जाकर निशुल्क इलाज करते हैं। भारत सरकार ने पांडुरंग दादा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें रेमन मैग्सेसे तथा टेम्पल्टन अवार्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। 25 अक्टूबर 2003 को पांडुरंग शास्त्री आठवले जी का निधन हुआ। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लौटेंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।